हम सभी जानते हैं कि विजयादशमी के दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो क्यों ना इस विजयादशमी हम हमारे बच्चों के अंदर जो एडिक्शंस नए लग रहे हैं उनको हम समाप्त कर दें। देखिए, हमको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा ब्रेन जो है वो वायर्ड होता है किसके लिए, कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें हमेशा प्लेजर्स की तरफ लेके जाने के लिए और पेन से दूर रखने के लिए वायर्ड होता है। इसके लिए जब भी हम किसी भी चीज़ पर फोकस करेंगे, या तो पेन्स पर या प्लेजर्स पर, तो उस हिसाब से हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। तो हमारे बच्चे के अंदर जब कोई बैड हैबिट लग जाती है तो उस वक्त बच्चा जो है उस हैबिट के शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को अनुभव कर रहा है और जो लॉन्ग टर्म पेन्स उसको आने वाले हैं उस बैड हैबिट के वजह से उसको वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। और इसलिए बच्चे जो हैं इन बैड हैबिट्स के बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल पीना, ड्रग्स लेना, टोबैको खाना, मोबाइल एडिक्शन वगैरह वगैरह। शुरुआती दिनों में ये जो बैड हैबिट्स हैं बच्चों को प्लेजरेबल लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये हैबिट्स रेगुलर हो जाते हैं ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो आने वाले पेन्स हैं वो उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इन एडिक्शन से वो दूर रखें। तो ये कैसे किया जा सकता है? जब आपके बच्चे को कोई एडिक्शन, कोई बैड हैबिट लग गई है, तो उसके साथ बैठिए और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कीजिए, एक रिपोर्ट डेवलप कीजिए और उसे चार क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा कि अगर वो इस हैबिट को कंटिन्यू करता है तो उससे उसको प्लेजर्स क्या मिलेंगे, उसको बेनिफिट्स क्या हैं और उसके पेन्स क्या रहेंगे लाइफ में। और एक दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि अगर वो इस एडिक्शन को या बैड हैबिट को छोड़ देता है तो फिर उसके प्लेजर्स क्या रहेंगे लाइफ में और पेन्स क्या रहेंगे ये छोड़ने के लिए। और इंश्योर कीजिए कि बच्चा इन क्वेश्चन के आंसर्स को लिख रहा है और रेगुलरली इसे बच्चे को दिखाते रहिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक थ्रेशोल्ड आएगा जब बच्चा उसके एडिक्शन से दूर रहेगा और इमीडिएटली आपको एज पेरेंट्स अब आपको एक नई हैबिट, एक पॉजिटिव हैबिट बच्चे में कल्टिवेट करनी है। तो चलिए, क्यों ना इस विजयादशमी पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर जो एडिक्शन और बैड हैबिट्स हैं उनको समाप्त करें, उस राक्षस रूपी एडिक्शन को समाप्त करें और आपके बच्चों को आप सही मायने में अपनी लाइफ में विजयी मनाएं। आप सभी को विजयादशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।